तो भिवानी में पानी के रंग की तलाश में जब हम गांव-गांव को छान रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो टैंक हैं इन्हीं टैंकरों के जरिए जो है वो पानी की सप्लाई होती है। जिनके पास पैसा है वो इन टैंकर को बुला ले। एक टैंकर की कीमत 500 रुपये रखी जाती है। 500 रुपये में एक टैंकर आता है और इस टैंकर को का जो पानी है उसको खाली करने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया जाता है। आपने ये टैंकर मंगवाया है, हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आधे घंटे में खाली करना रहता है, तो अभी तो इसमें शायद जो इसका ट्रैक्टर वगैरह वो जा चुका है खड़ा करके। हाँ जी, खाली करके अभी लेके आए हैं। अच्छा, ये अभी छोड़ गया है कि आप खाली कर लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से आकर के फिर ले जाएगा इसको। हाँ जी जी। तो एक टैंकर अगर आप पानी मंगाते हैं तो क्या सब गांव के लोग मिल करके मंगा लेते हैं या जो है वो आप अकेले ही आपने नहीं, जिसके पास पैसा वो मंगाओ जी। गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से मंगाएगा। तो ये जो एक टैंकर पानी है ये कितना दिन आपका चल जाता होगा? एक हफ्ते का लगभग टाइम हो जी, एक हफ्ते में खाली हो जाए। एक हफ्ते का। तो ये पानी जो है वो खारा पानी रहता है या मीठा पानी इसमें रहता है? गांव में मीठा पानी नहीं है जी, बाहर से लाते हैं। लेकिन ये टैंकर भी तो बाहर से ही आता ना, सिवानी से पानी का बाहर से लाते हैं जी। अच्छा, तो ये जो टैंकर आ रहा है इसमें मीठा पानी होता है? हाँ जी। 65 साल के धर्मचंद खेत पर काम करके लौटे थे। पूरे शरीर में भूसा लगा हुआ था। कि ये जो धर्म सिंह जी हैं वो बता रहे हैं कि ये अभी खेतों पर काम करके आए हुए हैं और पूरे शरीर में जो है वो इनके ये जो भूसे की वो हैं, भूसा लगा हुआ है। और लेकिन ये नहा नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं नहा सकते हैं क्योंकि इनके घर में पानी ही नहीं है। नहाने के लिए भी जो है वो दो दो तीन तीन दिन का गैप देना पड़ता है। दो दो तीन तीन दिन बाद जो है वो नहाते हैं और वो भी सिर्फ 3-4 लीटर पानी से ही नहाना पड़ता है। इस गांव में वो घर बड़ा नसीब वाला होता है जहां हर बाल्टियां भरी हो। एक ये पानी की बाल्टी है, एक ये तसला है लेकिन सब खाली है, एक ये टंकी यहाँ पर रखी हुई है छोटी सी, उसमें भी आधा पानी है जो बहुत ज़रूरी काम के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके अलावा पानी का कहीं भी कुछ नहीं है। जितनी भी टंकियाँ हैं, जो भी बाल्टी है, वो हमें यहाँ पर खाली ही दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। और पीने के लिए जो घड़ा एक रखा हुआ है उसमें भी आधा घड़ा पानी है। घर में 10 लोग हैं, मैं बाबूजी ने बताया, और पानी हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ये टंकी है, शायद 200 लीटर की होगी और वो भी जो है वो आधी भरी है, यानी 50-60 लीटर पानी होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो 100 लीटर के आसपास होगा। तो कैसे काम, कैसे पूरा घर का जो है वो आप लोग चलाते हैं? क्या करें, सिर्फ पलाते हैं, दुख बीमार में कहाँ से लाए पानी, पानी चाहिए हमें। टैंकर आप लोग भी टैंकर मंगाना पड़ता है या कहीं दूर दराज से पानी लेकर के आते हैं? हम तो नहीं मंगवाते टैंकर, दूर से लेकर आना पड़ता है। बाबू जी ने बताया कि दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं, नाना जो है वो नहीं हो पाता है क्योंकि पानी नहीं रहता है। हमारे बर्तन साफ नहीं हुए पड़े। जानवरों को पानी ले जाने के लिए कहाँ, कितना दूर ले जाते हैं? 2 किलोमीटर। देखिए, जानवरों को भी जो है वो पानी, साफ पानी के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि घर के दूसरे हिस्से में पानी का क्या बंदोबस्त है और किस तरह से यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया जाता है और घर के दूसरे कामों में। यहाँ पर भी देखिए, हम देख रहे हैं कि 3 बाल्टी तीनों खाली, ये एक टंकी रखी हुई है वो भी पूरी तरह से खाली है, 2 ये मटके हैं, आप मटके भी देख सकते हैं कि वो भी खाली हैं। मतलब इस घर में अभी हमें एक भी बूंद पानी नज़र नहीं आया है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, हम देख रहे हैं कि घर में जो है वो ये 3 बाल्टी 2 मटके 1 टंकी सब खाली है,
कैसे घर का काम कैसे चलता है? कैसे कि याना बच्चा है लियावा हाँ एक टोकनी रुआ बर्त लिया हाँ। तो घर में पानी जो है वो नहीं है, घर का सभी सदस्यों का खाना बनाना है, जानवरों को पानी देना है, इतनी गर्मी है। टैंकर से मंगवावा हाँ। कितना पैसा चार्ज करता है टैंकर वाला? 300 रुपये। 300 रुपये टैंकर का लेता है? पूरा टैंकर देता है कि आधा टैंकर देता है? आधा आधा टैंकर 300 रुपये में। तो बच्चे हैं, बच्चों को तो साफ पानी की जरूरत है, तो कहाँ से इनको मीठा पानी साफ पानी कहाँ से लाते हैं? साफ पानी तो टैंकर से मंगवाते हैं। अच्छा, पीने का पानी जो है वो टैंकर से ही? टैंकर से ही आता है वो। इतनी भीषण गर्मी है, पूरे घर में 10 सदस्य हैं और आधे मटके पानी में काम चल रहा है। तो ये पानी के अलग अलग रंग हैं, एक रंग ये भी है जो काफी। पानी की किल्लत से इंसान तो इंसान जानवर भी बेहाल हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी की गौशाला में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में गाय हैं। पीने के पानी की किल्लत जैसे भिवानी के दूसरे गांव में है, वही किल्लत इस गौशाला में भी है। हमारे साथ मौजूद हैं गौशाला के प्रबंधक जी, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंद्र जी, इस गौशाला में जो है वो कितनी गाय होंगी? ये जी 300 से ऊपर गाय है जी। 300 से ऊपर गाय हैं। हमने भिवानी के अलग अलग गांवों में देखा कि पानी की भारी किल्लत है, और वही यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि पीछे पर जो पानी का जो बाड़ा है वो पूरा सूखा हुआ है। तो कैसे पानी का बंदोबस्त करते हैं? टैंकर मंगवाने पड़ते हैं जी। कितने टैंकर जो है वो रोजाना? टैंकर रोजाना। तो पैसे से खरीद करके ही आता है कि कोई खरीद के मंगवाने पड़ते? अच्छा, तो एक टैंकर 500 रुपये का, यहाँ पर भी वही रेट है ना? यहाँ कम है। अच्छा, यहाँ पर कितना? 100 रुपये कम है। अच्छा, 400 रुपये, मतलब एक दिन का जो है वो 800 रुपये सिर्फ इन जानवरों के पानी पिलाने पर ही खर्च हो जाता है। हाँ जी जी। तो कैसे जो है वो उस पैसे का बंदोबस्त कैसे आप लोग करते हैं? गाँव से ही करते हैं। अच्छा, चंदा वगैरह इकट्ठा करके प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें गाँव सहयोग देता है। यानी मतलब करीब जो है वो 24,000 रुपये महीने का खर्चा सिर्फ पानी पर है। तो देखिए, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि 300 से ज़्यादा गाय हैं और 800 रुपये रोजाना इस गौशाला में पानी पर खर्च होता है। 800 के हिसाब से एक महीने में 24,000 रुपये, 24,000 रुपये पानी पर खर्च होना, वो भी जानवरों के लिए वाकई चौंकाने वाली तस्वीरें हैं ये। लेकिन जान की कीमत जो है वो शायद 24,000 रुपये से कहीं बढ़कर के, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो। यहाँ सूखे से हर कोई बेहाल। भिवानी की इन पहाड़ियों की तरह उन लोगों की भी उम्मीदें पथरा गई हैं जो दशकों से मीठे पानी के इंतजार में हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी मुकेश चंद्रा को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।